हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वारंट कहाँ है? जेब में सर। मुझे तो जेब में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? कहाँ है आग? मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे मिलने का वक्त दिया है, वो घर पे ही है ना? हाँ साहब, बंगले के आंगन में अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप जा सकते हैं। सर आओ। इंस्पेक्टर आओ बैठो। सर मैं ठीक हूँ। मैं जरा बच्चों को देखती हूँ, आप बातें कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर, केस का क्या हुआ? सर मैं साईं बाबा की तहकीकात करने शिरडी गया था, लेकिन वहां के लोगों ने मुझे साईं बाबा तक पहुंचने ही नहीं दिया। वहां के लोग साईं बाबा को भगवान समझते हैं सर। अच्छा। हाँ भाई, आजकल तो गांव-गांव में ऐसे भगवान मिल जाते हैं, लेकिन हम इस चोरी के केस का फैसला कैसे करेंगे? सर मैंने कुछ साईं बाबा के फोटोज खींचे हैं। वेरी गुड, लाओ लाओ। इसमें साईं बाबा कौन है? इसमें साईं बाबा नहीं है सर। साईं बाबा नहीं है, तो फिर तुमने फोटो किसके खींचे हैं? साईं बाबा के सर, लेकिन फोटो खींचने के बाद भी साईं बाबा फोटो में नहीं आए। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हैं? कैसा कैमरा है तुम्हारा? जिसकी तुम तस्वीरें खींचते हो वो तस्वीर में नहीं आता, और जो उसके साथ है उसकी फोटो छप जाती है। सर शिरडी के लोगों का कहना है कि अगर साईं बाबा की इजाजत ना हो तो ना तो कोई उनकी मठी में प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई उनकी फोटो खींच सकता है। ओह, तुम ये कहना चाहते हो कि साईं बाबा के पास कोई गैबी ताकत है? नॉनसेंस। ये डेफिनेटली उन्हीं साधु फकीरों में से एक है जो लोगों को प्रभावित करके उनसे पैसा ऐंठते हैं। उस साईं बाबा ने अपने भक्तों से ही नहीं बल्कि तुम्हें भी कानून से रोकने का अपराध किया है। सर उसके खिलाफ समन लेके जाओ और उसे मेरी अदालत में हाजिर करो। यस सर। गो। मालिक को हुक्म नहीं दिया जाता, उससे गुजारिश की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हुक्म देना मालिक का काम है और भक्त का काम है उसके हुक्म का पालन करना। मालिक अपने भक्तों का दास है। ऐसे भक्त जिनकी भक्ति का बंधन मालिक को स्वीकार है, ऐसे भक्त अपनी भक्ति की शक्ति दांव पर लगाकर मालिक को बुलाते हैं, और मालिक अपने भक्त की लाज रखने के लिए उसके सामने हाजिर होता है। ये है भक्त और मालिक का रिश्ता। संत नामदेव जब जिद करते थे कि पहले तुम खाना खाओगे उसके बाद मैं खाऊंगा, तब पंडरीनाथ विट्ठल को प्रकट होकर नामदेव के साथ खाना खाना पड़ता था। लेकिन हम कहेंगे तो क्या वो आएगा? उसके लिए वैसी भक्ति चाहिए
वैसा समर्पण चाहिए। सोते जागते उठते बैठते मालिक को याद करते रहना चाहिए। सबका मालिक एक। आप माने या न माने, मैं तो तुलसीदास जी के इस दोहे से पूरी तरह सहमत हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अरे पत्थर तो पत्थर है, इन्हें हम भगवान क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान है। अरे अरे ये तो हमारा विश्वास है जो पत्थर को भगवान बना देता है। तो श्रीमती जी आप ये कहना चाहती हैं कि साईं बाबा भगवान है? भगवान तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब भगवान का ही तो अंश है। लेकिन भगवान हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं कि भगवान हम सब में है। हमारे मन में आशंका है, ठीक वैसी आशंका जैसे आपके मन में साईं बाबा की तस्वीरों को लेकर है। इंस्पेक्टर का कहना है उसने साईं भक्तों के साथ साईं बाबा की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन तस्वीरें बनने के बाद देखा साईं बाबा उसमें है ही नहीं। कहाँ गए साईं बाबा? उनके भक्त तस्वीरों में है लेकिन साईं बाबा गायब। क्यों गायब हुए साईं बाबा? अजी उस इंस्पेक्टर को भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए ये तो लीला है साईं बाबा की, और भगवान तो अक्सर ऐसी लीलाएं किया करते हैं। और साईं बाबा जो शिरडी में बैठकर कर रहे हैं वो तो कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। अरे श्रीमती जी, ऐसे खेल तो मदारी भी दिखा लेते हैं। हमारे सामने ही एक सिक्का मुट्ठी में बंद करते हैं और जादू का डंडा घुमाकर उस सिक्के को गायब कर देते हैं। अरे कोई ऐसे खेल दिखाकर वो अवतारी पुरुष नहीं बन जाते। देखिए श्रीमती जी, इस वक्त वैसे भी आपका पूजा का समय है और मैं आपकी पूजा में खलल डालकर पापी नहीं बनना चाहता। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, हम भगवान के अंश जरूर हैं, भगवान नहीं है। जिस तरह हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो वो हमारा अक्स होता है, हमारे सामने हम नहीं होते। और जो भगवान के अक्स हैं मैं उन्हें भगवान नहीं मानता, और जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, भगवान होने का नाटक करते हैं, वो भगवान नहीं होते। भगवान होने का ढोंग करते हैं, वो पाखंडी हैं। और मैं उस पाखंडी की असलियत दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। एक बार सम्मन जानी तो ये सम्मन मिलने की देर है, साईं बाबा सिर के बल दौड़ते हैं आएगा। मुझे द्वारका माई में प्रवेश नहीं करने दिया उसने, मजिस्ट्रेट साहब के दस्तखत होते ही ये सम्मन उसके लिए जेल की प्रवेश द्वार बन जाएगा। वो समझता है कि वो एक ही जादूगर है। अब पता चलेगा उसे जब हमारा जादू उसके सर पर चढ़ के बोलेगा। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें सम्मन तैयार करने के लिए बोला था ना? सर ये सम्मन ही था। क्या कहना चाहते हो? तुमने सम्मन बनाए और उन्हें चला भी दिए? नहीं नहीं सर, मैंने सम्मन बनाया था और मैं आपके पास ताने ही वाला था कि वो खुद ब खुद जल गए।
और मैंने दूसरा भी बनाया था सर, वो भी जल गया। खुद ब खुद जल गए? वो कैसे? क्या हवा में आग जल रही है? अगर हवा में आग जल रही है तो तुम क्यों नहीं जले? अरे इंस्पेक्टर, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये दिखावा किस लिए कर रहे हो? अरे किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम खुद उस साईं बाबा को पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुम्हारा भी भगवान है? नहीं सर। क्या नहीं? नहीं, तुम तहकीकात करने के लिए वहां गए थे ना शिरडी, क्या किया? खाली हाथ वापस आ गए? वहां के लोगों ने तुम्हें द्वारका माई में घुसने नहीं दिया, या तुम खुद वापस लौटकर उल्टे पांव आ गए? नहीं सर, मैं शिरडी गया था, वहां के लोग गवाह हैं, और मैंने फोटोज भी खींचे थे, उसके भी गवाह हैं। तो फिर साईं बाबा की तस्वीर क्यों नहीं छपी? इसके गवाह हैं क्या तुम्हारे पास? देखो इंस्पेक्टर, तुमने अपनी ड्यूटी से लापरवाही की है, और इसके लिए तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार माफ कर रहा हूं। और अब साईं बाबा के खिलाफ समन्स नहीं, वारंट चाहेंगे गिरफ्तारी के। हटो। संतरी। जी साहब। ये लो, और तुम इस संतरी को लेकर शिरडी जाओगे और साईं बाबा को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओगे, समझे? तुम जाओ अभी। यस सर। वारंट कहाँ है? जेब में सर। मुझे तो जेब में कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? कहाँ है आग? पहले सम्मन भी जल गया था और अब ये वारंट भी। सद्गुरु का आशीर्वाद जब तक प्राप्त ना हो, इंसान दिशाहीन होकर भटकता ही रहता है। कई लोग तो भगवान को, उसकी शक्ति को भी नीचा दिखाना चाहते हैं। कई तो मालिक को अपराधी समझकर उसे बंदी बनाने की कोशिश करने का अपराध तक कर देते हैं। उन सभी में भक्त पुंडलिक जैसी भक्ति और भक्ति से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। भक्त पुंडलिक अपने माता पिता को अपना गुरु मानते थे। एक दिन वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे कि भगवान पुंडरीनाथ विट्ठल पुंडरपुर में पुंडलिक के घर के दरवाजे पर आ खड़े हुए। भक्त पुंडलिक ने विठोबा से कहा, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब तक उन्हें आराम नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तब तक इसी ईंट पर खड़े रहो। और विठोबा मान गए। आज भी पंडरपुर में विठोबा दोनों हाथ कमर पर रखकर ईंट पर खड़े हैं। बहुत देर हो गई द्वारिकानाथ जी, अब तक तो दरोगा साहब को आ जाना चाहिए था। वैद्य जी, कोई नहीं आ रहा है। अरे मूर्खों, वहीं खड़े रहो और देखते रहो, समझे?
थक गए हो क्या? टांगे टूट गई हैं तुम्हारी, हैं? क्या देख रहे हो दगड़ू ढूंढू? साई बाबा? राम राम। दरोगा साहब का इंतजार कर रहे हो द्वारकानाथ जी? द्वारकानाथ जी, कानून से बार बार नहीं खेलते। हो सकता है दरोगा साहब आए और आप खतरे में पड़ जाएं। चुप। भला चाहते हो द्वारकानाथ जी तो मालिक की कृपा प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। दरोगा का नहीं, मालिक का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। संकेत समझने वालों के लिए भगवान का केवल एक ही संकेत काफी होता है। आपने साईं बाबा के लिए सम्मन भेजा, वो जल गया। वारंट भेजा, वो भी जल गया। और तो और, आपके इंस्पेक्टर को उस सिपाही की जेब में आग जलती हुई नजर आई, और फिर भी आप। अरे सब बकवास, बीड़ी सिगरेट पीते हुए वारंट का कागज जल गया होगा और उस सिपाही की जेब में आग। अरे कोई आग वाग नहीं देखी इंस्पेक्टर ने, वारंट गलती से जल जाने के बाद उन्होंने ये कहानी गढ़ी है। और तुम तो जानती हो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भगवान पर तो है। अबिन, कागज के टुकड़ों में भगवान कहां से आ गए? जिन साईं बाबा के लिए आपने सम्मन और वारंट भेजे हैं, शिरडी के लोग उन्हें भगवान ही मानते हैं। मूर्खों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। जब तुम बच्चों के साथ मायके चली जाओगी ना, तो मैं खुद शिरडी जाऊंगा उस साईं बाबा की तहकीकात करने के लिए। कागज के टुकड़े जलाकर वो मुझे गुमराह करना चाहते हैं। माली, देखो वो सामने कौन है। ये मेरा वहम था या सचमुच में कोई था? अगर था तो वो कौन था, क्या जाने। अज्ञान के कारण जो मुझे पहचानते नहीं, उन्हें मैं ज्ञान का साक्षात्कार कराता हूं। वो लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित हैं। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की सहायता करता हूं। सबका मालिक एक।